हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाएंगे टमाटर की उन्नत खेती। पिछली जो टमाटर की वीडियो पर आपको जानकारी शेयर की कि टमाटर की फसल कितने दिन की होती है, तो आपको क्या या फिर कौन से केमिकल्स, कौन से कीटनाशक, फंगीसाइड या फिर कौन सी जो बीमारी आती है उनका इलाज बतलाया है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको डिटेल में संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि टमाटर की फसल पर कौन कौन से फंगस, कौन कौन सी बीमारी आ सकती हैं, जो बीमारी आ रही हैं उनका एकदम इलाज क्या है, 100% रोकथाम इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं और साथ ही वैरायटी के बारे में बतलाने वाले हैं। अभी जो टमाटर के भाव 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिल रहा है, तो यह कीमतें बढ़ने का मुख्य कारण ये नहीं है कि खाने वाले ज़्यादा हैं, बल्कि मुख्य जो दोस्तों कारण ये है कि लोकल जो किसान भाई हैं, लोकल जो टमाटर है उसकी एकदम फार्मिंग एकदम ना के बराबर अभी हो रही है, और जो भी अभी टमाटर मार्केट पर आ रहा है पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वाला है। तो लोकल में जो भी किसान भाई खेती करते हैं या फिर जो हमारे किसान भाई खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते थे, वे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, यह जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कीमतें बढ़ने का प्रमुख कारण दोस्तों ये भी है कि जो लोकल टमाटर है, लोकल फार्मिंग एकदम ना के बराबर की जा रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों को अभाव है जानकारी का कि गर्मियों के दिनों पर, जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि जो गर्मियों के दिनों पर सीड सिलेक्शन करने में समस्या आई और जो बीमारी आती हैं उनको किसान भाई सही तरीके से जज नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों गर्मियों के दिनों पर अभी जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न पर किसान भाइयों के खेतों पर एकदम खाली पड़े हैं, एकदम अभी कोई फसल नहीं है। तो कहीं ना कहीं टमाटर, यदि आप भी टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं या फिर करने के बारे में या फिर फार्मिंग करना चाहते हैं, तो जानकारी यदि आपको अच्छी रहेगी तभी आप इस सीज़न पर, क्योंकि इस सीज़न पर हमेशा बाजार भाव अच्छे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छे भाव हैं। तो किसानों को एकदम नॉलेज यदि प्रॉपर होगा, प्रॉपर जानकारी रखेंगे, क्योंकि तीव्र गर्मी पर कौन सी वैरायटी लगाएं और जो गर्मियों के दिनों पर बीमारी आती हैं उनका सही इलाज क्या है, यदि दोस्तों हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक तरीके से समझेंगे तो काफ़ी अच्छा हमको फ़ायदा होने वाला है और काफ़ी हम अच्छी कमाई टमाटर की फसल से बरसात के दिनों पर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टमाटर की फसल पर कीट प्रबंधन के ऊपर हमारा मुख्य बिंदु को ध्यान में रखकर हम बात करने वाले टमाटर की फसल पर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टमाटर की फसल पर कौन कौन सी बीमारी, रोग का प्रकोप हो सकता है। तो प्रमुख रूप से अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, लीफ माइनर, टूटा एब्सोल्यूटा का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा नेमेटोड्स, फल छेदक, विल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है, लीफ स्पॉट, पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और एफिड जैसे थ्रिप्स माइट्स का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। तो बीमारी टमाटर की फसल पर कई आती हैं, सबसे खतरनाक अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, थ्रिप्स, माइट्स और सूखने की समस्या आती है, और फल की स्टेज पर, फ्रूटिंग स्टेज पर फल को छेदने वाली फल छेदक, इल्ली का प्रकोप, सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इनका उपाय, इलाज दोस्तों हम सबसे पहले समझते हैं। यदि हमारी फसल पर एफिड, जैसिड और थ्रिप्स, इनमें से जो कि आप फोटो पर देख रहे हैं, इनमें से किसी भी एक कीट का, इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप है, तो इसके लिए इमीडा क्लोरप्रिड 17.8% SL 10 ml या फिर थायमोथोक्सोम 25% WG वाला 10 ग्राम कीटनाशक, इन दोनों में से कोई एक कीटनाशक को आप स्प्रे कर सकते हैं। व्यापारिक नाम जैसे कॉन्फिडोर सुपर है, मीडिया सुपर है या फिर एक तारा के नाम से आपको यह टेक्निकल वाली कीटनाशक दवाइयां मिल जाएंगी। तो इन दोनों में से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि हमारी टमाटर की फसल पर माइट्स, एफिड, जैसेट का प्रकोप है दोस्तों, माइट्स के साथ साथ एफिड जैसेट का प्रकोप है, तो धानुका कंपनी की ओमाइट्स आपको लेना है 25 ml या फिर बायर कंपनी की ओबेरॉन 15 ml, दोनों में से कोई एक मकड़ी नाशक को आप स्प्रे कर दीजिए। तो यह जो आपको डोज बतला रहे हैं वो 15 लीटर की दर से बतला रहे हैं। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी का प्रकोप है, यानी वाइट फ्लाई, तो वाइट फ्लाई बहुत ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है। स्टार्टिंग पर, शुरुआत पर क्या स्प्रे करना है, और जब स्प्रे या फिर हमारी फसल मुख्य स्टेज पर होती है तब हमको मुख्य स्टेज पर या फिर हैवी वाइट फ्लाई का अटैक है तो फिर कौन सा कॉम्बिनेशन लेना चाहिए, आइए समझते हैं। यदि शुरुआती स्टेज पर, स्टार्टिंग पर आप सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो एसिटामिप्रेट 20% SP 10 ग्राम या फिर
थायमोथोक्सोन 25% WG 10 ग्राम या फिर पायरी प्रोक्सीफेन 10% EC 40 ml, तीनों में से कोई एक है आप कीटनाशक का स्प्रे कर दीजिए, सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगी स्टार्टिंग के दिनों पर। लेकिन अधिक प्रकोप हो चुका है हमारी टमाटर की फसल पर, तो कोई एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं, जैसे BASF कंपनी की सैफीना 30 ml, GSP कंपनी की SLR 525 30 ml, लेनो प्लस पोलो इंसेक्टिसाइड का जो कॉम्बिनेशन आता है, लेनो और पोलो को मिक्स करके लेनो 40 ml और पोलो कीटनाशक 25 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर UPL कंपनी की उलाला 6 ग्राम 15 लीटर की दर से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे आप कर सकते हैं। यदि टमाटर की फसल पर फल छेदक इल्ली, तंबाकू इल्ली, सुंडी, सेमी लूपर्स का प्रकोप है दोस्तों, तो इनमें से कोई एक कीटनाशक स्प्रे करें। कब? जब मध्यम प्रकोप हो तब आप स्प्रे कर सकते हैं, यानी हल्का फुल्का इल्ली इंसेक्ट का प्रकोप है, सुंडी का प्रकोप है, तो एमामेक्टिन वेंजोएट 5% SG 8 ग्राम लेना है। बायर कंपनी की सोलमैन जिसमें इमीडा और वीटा साइफ्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन है 15 ml लेना है, या फिर बायर कंपनी की फेनोस क्विक 15 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर घरडा कंपनी की किंग डोक्सा इंसेक्टिसाइड 15 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। इन चारों पाँचों में से कोई एक को स्प्रे कर दीजिए। लेकिन यदि सुंडी का इल्ली का हैवी प्रकोप है, अधिक प्रकोप है, तो ऐसी कंडीशन पर अदामा इंडिया कंपनी की फैलेथोरा 30 ml, या फिर सिजेंटा कंपनी की एम्पलीगो ले लीजिए 10 ml, सिजेंटा कंपनी की एविसेंट 3 से 4 ग्राम की दर से स्प्रे कर सकते हैं, अदामा इंडिया कंपनी की बारा जाइड आपको लेना है 40 ml, या फिर डाव एग्रोसाइंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड 20 ml। इन तीन चारों में से कोई एक कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो इल्ली, सुंडी, तंबाकू इल्ली, बॉलबार्म, पिंक बॉलबार्म, या फिर सुंडी का, या फिर कोई भी फल को नुकसान पहुंचाने वाली इल्ली का प्रकोप है तो ईजिली कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अर्ली ब्लाइट। टमाटर की फसल पर अर्ली ब्लाइट के प्रकोप के कारण हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती, फसल काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है, तो ब्लाइट को कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्ली ब्लाइट यानी अंगेती जो झुलसा है, इसके लिए आपको क्या करना है, नाइट्रोजन का जो लेवल है, नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी बढ़ रही है, क्योंकि बरसात के दिनों पर नाइट्रोजन की मात्रा एकाएक बढ़ जाती है, तो देखिए नाइट्रोजन को आपको कंट्रोल करके रखना है सबसे पहला। दूसरा, इनमें से कोई एक फंगीसाइड का स्प्रे आप कर सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगीसाइड 40 ग्राम, UPL की साफ फंगीसाइड 40 ग्राम, स्कोर फंगीसाइड 10 ml, या फिर क्वांटा प्लस 25 ml, या फिर सिस्थेन 10 ग्राम, या फिर बायर की वोनस जो फंगीसाइड आती है 25 ml, इनमें से कोई एक फंगीसाइड स्प्रे कर दीजिए आवश्यकता अनुसार। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं लेट ब्लाइट। तो जो लेट ब्लाइट है यानी पछेती झुलसा, टमाटर की फसल पर सबसे ज़्यादा नुकसान इसी फंगस का देखने के लिए मिलता है, लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा। यदि हम पछेती झुलसा को कंट्रोल नहीं करेंगे दोस्तों, इस बात को लिख कर रख लीजिए कि पैदावार घटेगी, उत्पादन घटेगा, और जो हमारी फसल है वो 100% चौपट हो सकती है। तो इसके लिए यदि लेट ब्लाइट का प्रकोप है तो डूपोंट की करजट 60 ग्राम, या फिर रिवर्स आपको 10 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं, रनमैन आती है, रनमैन को भी आप स्प्रे कर सकते हैं, इसके अलावा एक्रोवेट है, जंप्रो है, डूपोंट की इक्वेशन प्रो जैसी फंगीसाइड को आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। अब बैक्टीरियल ब्लाइट की भी समस्या देखने के लिए मिलती है, तो ये जो आप फोटो पर देख रहे हैं ये है बैक्टीरियल ब्लाइट। तो बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन सल्फेट का स्प्रे कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति 15 लीटर की दर से। इसके अलावा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% वाली भी जो फंगीसाइड आती है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं 40 ग्राम की दर से, 15 लीटर की दर से आप मिक्स करके घोल करके स्प्रे करें, और जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे आपको करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यूट का भी प्रकोप हमारी टमाटर की फसल पर यदि हो जाता है तो बायर की फोलिकोर 20 ml, या फिर स्वाधीन फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या आ रही है और फ्लावरिंग स्टेज पर हमारी फसल है तो बायर कंपनी की प्लानोफेक्स अल्फा नेफ्थलेस्टिक एसिड 4 ml, स्कोर फंगीसाइड 10 ml, या फिर चमत्कार 20 ml, लिहोसिन 20 ml, में से कोई एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का स्प्रे आप कर सकते हैं। इसके अलावा विल्ट की समस्या आती है दोस्तों, जी हाँ, फलता फूलता पौधा सूख जाता है, तो इसके लिए कुछ ज़रूरी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। सबसे पहले तो फसल चक्र अपनाएं,
और जीवामृत का प्रयोग कर सकते हैं, ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं, बायर की एलेट का प्रयोग कर सकते हैं, रोक फंगिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो बिल्ट पर काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, खासकर ट्राइकोडर्मा और गन्ने का गुड़ को मिक्स करके 200 लीटर पानी में इनको यदि आप ड्रिंचिंग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो बैक्टीरियल बिल्ट है, यदि प्रिवेंटिव में बायर की एलेट को या फिर रोको फंगिसाइड को 500 ग्राम की दर से 200 लीटर पानी घोल करके यदि आप ड्रिंचिंग करते हैं तो अभी बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे प्रिवेंटिव में। इसके अलावा डाउनी मिल्ड्यूट का भी प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो डाउनी मिल्ड्यूट के लिए आप एक काम कर सकते हैं, कंट्रोल के लिए आप इक्वेशन प्रो 20 ml या फिर बायर की मेलोडी डीओ को स्प्रे कर सकते हैं, M45 और केराथिन को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड को स्प्रे कर सकते हैं, कॉपर की डस्टिंग कर सकते हैं 2 kg प्रति एकड़ की दर से। यदि बरसात ज़्यादा हो रही हो और स्प्रे करने की भी हमको टाइम ना मिल रही हो या फिर स्प्रे किया और एकदम जो हमारा घोल है वो धुल चुका है, तो ऐसी कंडीशन पर क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा बरसात होती है तो डाउनी मिल्ड्यूट का प्रकोप जो फंगस है वो तेज़ी से बढ़ता है, तो डाउनी मिल्ड्यूट को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों सल्फर की डस्टिंग कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम की डस्टिंग कर सकते हैं, बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा टूटा एब्सलूटा का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, तो जैसे लीफ माइनर होता है ना दोस्तों, लीफ माइनर की तरह ही क्लोरोफिल को खाने काम करता है पत्तियों की, तो इसके लिए कंट्रोल के लिए आपको एक काम करना चाहिए कि गहरी तो जुताई आपको कराना चाहिए, ट्रैप लगाना चाहिए, जो लाइट ट्रैप है, पीला ट्रैप है, नीला ट्रैप है, इसको लगाइए, क्योंकि टूटा एब्सलूटा की जो मक्खी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैप काफ़ी मदद करेंगे। फसल चक्र अपनाना है, मक्का और गेंदे की 2-4 लान खेत के चारों साइड लगा लीजिए, और यदि बायोलॉजिकल कंट्रोल के ऊपर बात करें तो वेवेरिया वेसियाना को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं रासायनिक कंट्रोल के ऊपर बात करें तो डाइमेथॉइड जैसे रोग और आती है 25 ml की दर से स्प्रे करें, प्रोफेक्स सुपर 25 ml, इसके अलावा घरडा कंपनी की किंग डोक्सा आती है 20 ml, या फिर डाउ एग्रोसाइंस की डेलीगेट 20 ml, इनमें से कोई एक कीटनाशक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा लीफ माइनर भी बहुत बड़ी समस्या है, और लीफ माइनर एक ऐसी समस्या है जो हमारी फसल पर, टमाटर की क्रॉप पर, जब हम नर्सरी तैयार करते हैं उसी समय से पूरी लाइफ साइकिल में लीफ माइनर का प्रकोप कभी भी हो सकता है, तो कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए यदि लीफ माइनर का प्रकोप है तो स्टार्टिंग पर प्रिवेंटिव पर एमामेक्टिन वेंजोइड जो 5% SG आता 10 ग्राम स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अच्छे रिजल्ट के लिए, बेहतरीन रिजल्ट के लिए सिजेंटा कंपनी की बोलियम फ्लेक्सी आती है 200 ml 1 एकड़ में, आपको सोयल एप्लीकेशन से चलाना, स्प्रे नहीं करना है, बल्कि 200 लीटर पानी में घोलना है 1 एकड़ में, आपको 200 ml 1 एकड़ में ड्रिंचिंग कर देना है या फिर ड्रिप से आपको चला देना है, तो ईजिली तरीके से लीफ माइनर कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं नेमेटोड्स, तो नेमेटोड्स की भी काफ़ी बड़ी समस्या देखने के लिए मिलती है, यानी जड़ों पर दोस्तों, जड़ों के बीच में गांठें बन जाती हैं जिससे पौधा ठीक तरीके से न्यूट्रिएंट की पूर्ति नहीं कर पाता है, भोजन ग्रहण नहीं कर पाता है, तो नेमेटोड्स की समस्या के कारण पीलापन की समस्या आती है, उत्पादन घट जाता है और पौधा एकदम सीमित रहता है, ज़्यादा बढ़ावा नहीं लेता है, उत्पादन एकदम ना के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं यदि आपकी फसल का जो पौधा है बढ़ावा नहीं ले पा रहा है तो पौधे को उखाड़ के देखिए, कहीं ना कहीं नेमेटोड्स की समस्या तो नहीं है, यदि है जड़ों में बीच में गांठें बन चुकी हैं, तो इसके लिए बायर कंपनी की बेलम प्राइम आती है 500 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल करके सोयल एप्लीकेशन से चलाना चाहिए, तो इन बातों को फॉलो आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा टमाटर की फसल पर नाइट्रोजन यदि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बरसात के दिनों पर नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है इसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की यदि वृद्धि ज़्यादा हो जाती है हमारी फसल पर, टमाटर की फसल पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा फंगस, ज़्यादा से ज़्यादा कीट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, एकदम फसल बढ़वार बस लेती है, तो इसके लिए बरसात के दिनों पर खासकर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसके लिए आपको एक काम करना चाहिए कि नाइट्रोजन तो आपको इस्तेमाल करना है लिमिटेड, बहुत ही कम, और नाइट्रोजन एकदम ज़्यादा बढ़ चुकी है, एकदम ज़्यादा ही नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ गई है, तो PSB का बैक्टीरिया यानी फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया को आप चला सकते हैं, KSB का बैक्टीरिया चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं कि Z78 की भी डस्टिंग कर सकते हैं, रोको फंगिसाइड की ड्रिंचिंग कर सकते हैं, Z78 की ड्रिंचिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नाइट्रोजन की वैल्यू बढ़ी हुई है हमारी फसल पर तो पोटेशियम सोनाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा MOP और मैग्नीशियम का भी, जैसे MOP म्यूरेट ऑफ पोटास और मैग्नीशियम सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, और
यदि आप मॉलिब्डेनम पोषक तत्व की पूर्ति करेंगे तो भी नाइट्रोजन कंट्रोल में आ जाएगी, जैसे कि पोटेशियम मॉलिब्डेनम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और ज़रूरी आपको बातें बतला दें कि फ्लावरिंग स्टेज पर आप पाउडर फॉर्म वाली फंगीसाइड का स्प्रे ना करें रोको को छोड़कर, बाकी लिक्विड वाली वेस्ट रहती हैं जो लिक्विड फॉर्म वाली फंगीसाइड आती हैं उनका स्प्रे करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप रोको फंगीसाइड को किसी भी स्टेज पर चला सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। फलों की क्वालिटी प्रभावित होती है, यानी फलों की जो क्वालिटी होती है एकदम फल में क्रैकिंग की समस्या आने लगती है, फल फटने लगते हैं या फिर अस्त व्यस्त साइज है, टमाटर को टिकाऊ कैसे बनाएं, तो इसके लिए मुख्य स्टेज पर या फिर मुख्य स्टेज से पहले भी आप बोरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बोरॉन कितना 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप सॉइल एप्लीकेशन से चला सकते हैं बोरॉन को, और कैल्शियम को, कैल्शियम नाइट्रेट भी काफ़ी अच्छा काम करेगी और बोरॉन को, इनको मिक्स करके यदि आप प्रयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से टमाटर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है। टमाटर की फसल पर दोस्तों प्रॉपर आप साफ सफाई रखिए, निराई गुड़ाई करिए और निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान रखिए। अब जो दोनों बेड के बीच में यदि खरपतवार उग जाते हैं तो या तो मजदूर हैं तो मजदूरों की मदद से आप निराई गुड़ाई करें, साफ सफाई करें, वरना पावर वीडर की मदद से भी कुछ इस प्रकार जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, दोनों बेड के बीच में आप खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए पावर वीडर को भी चला सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। टमाटर की फसल पर जितनी आवश्यकता सिंचाई की है उतनी ही आवश्यकता हिसाब से आप सिंचाई करें। पता चला बरसात के दिनों पर हम टमाटर की खेती कर रहे हैं, ऊपर से पानी गिर रहा है और हम ड्रिप से पानी चला रहे हैं, तो देखिए बरसात को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बाकी यदि हम ज़्यादा सिंचाई करेंगे तो फिर पीलापन की समस्या देखने के लिए मिलेगी। तो अपने हिसाब से ड्राइनेस कर करके थोड़ा सा सूखा सूखा कर पानी देंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। स्टार्टिंग पर दोस्तों हमने आपको बताया था कि चुनाव करने पर वैरायटी का सिलेक्शन करने में किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रेट अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं हमको ऐसी वैरायटी लगानी पड़ेगी जो गर्मियों के दिनों पर या फिर बरसात पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए और हमारे किसान भाई जो लोकल किसान भाई हैं या फिर जो नॉर्मल तरीके से खेती करते हैं वे किसान भाई, क्योंकि पॉली हाउस पर जो किसान भाई खेती करते हैं वो इजीली तरीके से टमाटर की फसल को निकाल पाते हैं, और अभी जो मार्केट पर टमाटर आ रहा है वो पॉली हाउस का ही है या फिर जो भी लोकल का है, बहुत ही लिमिटेड उत्पादन देखने के लिए मिल रहा है, रोग बीमारी का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वैरायटी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में, क्योंकि इन किस्मों पर रोग बीमारी का प्रकोप थोड़ा कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन प्रॉपर हम केयर करेंगे, देखभाल करेंगे, स्प्रे करेंगे, इरीगेशन करेंगे, फर्टिगेशन करेंगे तो बेहतरीन हमको उत्पादन देखने के लिए मिलेगा, स्वस्थ फसल देखने के लिए मिलेगी। तो नंबर वन पर जो किस्म है सेमिनिस कंपनी की अभिलाष F1 जो वैरायटी है, इसका उत्पादन भी 50 से 80 टन तक एक एकड़ में उत्पादन देखने के लिए मिलता है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 550 से 600 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है और 60-65 दिन की आसपास की फसल होती है तो तोड़ाई के लिए यह वैरायटी तैयार हो जाती है। नंबर दो में अगर किस्म के ऊपर बात करें दोस्तों तो सिजेंटा कंपनी की साहू जो वैरायटी आती है इसको भी आप लगा सकते हैं। जो साहू वैरायटी आती है इसकी क्वालिटी फलों की काफ़ी बढ़िया है, तो जो सिजेंटा कंपनी की साहू है TO 3251 इसके फल का जो वजन है 75 से 90 ग्राम तक जाता है। 10 ग्राम सीड्स की कीमत 700 से 850 रुपये के आसपास और इसका जो उत्पादन है प्रति पौधा फल 15 किलोग्राम से लेकर 17 किलोग्राम प्रति पौधा फल लग सकता है। इसके अलावा नंबर तीन पर जो किस्म है हेमसोना सिजेंटा कंपनी की आती है, 10 ग्राम सीड्स की कीमत 650 से 700 रुपये के आसपास देखने के लिए मिलती है। सभी राज्यों पर आप इस किस्म को लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों नंबर चार, नामधारी सीड्स की NS 962 वैरायटी को आप लगा सकते हैं और साथ ही नॉन हेम्स की US 2853 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यह थी 4-5 किस्में जो कि काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों में से एक हैं। तो इन वैरायटी का चुनाव और सिलेक्शन करके काफ़ी अच्छा आप उत्पादन निकाल सकते हैं और टमाटर की फसल पर एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए हम बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि टमाटर की प्रॉपर आप बंधाई करें, एकदम नॉर्मल तरीके से खेती ना करें। यदि आप नॉर्मल तरीके से भी खेती कर रहे हैं तो टमाटर की बंधाई ज़रूर करें, बांस विधि से आप टमाटर की खेती करें, इससे पैदावार तो बढ़ेगी ही, उत्पादन अच्छा मिलेगा, रोग बीमारी का प्रकोप कम देखने के लिए मिलेगा। तो यदि जो किसान भाइयों को इस समय यदि बाज़ार भाव अच्छे मिल रहे हैं, पिछली वीडियो को जो हमने 1.5-2 महीने 2.5 महीने पहले जो वीडियो अपलोड की थी
जिन किसान भाइयों ने उस वीडियो को देखकर फॉलो किया है, टमाटर की खेती की है, तो उनको अभी 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिल रहा है। तो कौन सी समस्याएं आ सकती हैं उनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने डिटेल में संपूर्ण जानकारी शेयर की, वैरायटी के बारे में जानकारी शेयर की। तो जिन किसान भाइयों को अभी टमाटर के रेट अच्छे मिल रहे हैं तो उनने 2-3 महीने पहले टमाटर को लगाया है और अच्छी और काफ़ी अच्छी कमाई अभी टमाटर की खेती से कर रहे हैं। तो हमेशा टमाटर के इस समय पर, इस टाइमिंग पर काफ़ी अच्छे भाव, अच्छी कीमतें, अच्छी मार्केटिंग रेट देखने के लिए मिलती हैं अन्य सीजन और अन्य मंथ की तुलना पर। तो हमारे किसान भाई टमाटर की खेती कर सकते हैं, टमाटर की प्रॉपर देखभाल करें। और आप भी टमाटर की खेती करने की सोच रहे हैं या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा दोस्तों, जो खाद का शेड्यूल है, यदि हम फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर बात कर रहे हैं, एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए 70-80 टन उत्पादन निकालने के लिए चुस्त और ज़बरदस्त जो फर्टिगेशन शेड्यूल है उसको हमको रखना पड़ेगा। फर्टिगेशन शेड्यूल की अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, हमने अभी कुछ टाइम पहले ही A to Z वीडियो फर्टिगेशन शेड्यूल पर बनाकर अपलोड की है, उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आप यदि फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएंगे, उस वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। और टमाटर की खेती आप नॉर्मल तरीके से भी खेती करेंगे, और हाँ, गर्मियों के दिनों पर आप जब भी टमाटर की खेती करते हैं तो प्लांट का जो डिस्टेंस है उसको आप कम रखने की कोशिश करें, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर ज़्यादा धूप पड़ती पौधे पर तो सनबर्न की समस्या आ जाती है, तो कई समस्याएं आती हैं। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पौधे को घनत्वता को कम कर सकते हैं, यानी प्लांट डिस्टेंस थोड़ा कम भी कर सकते हैं, इससे फल की जो क्वालिटी है प्रभावित नहीं होती है। और खीब गर्मियों पर, बहुत ज़्यादा गर्मी का सीज़न है, टमाटर की आप खेती कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर है, या फिर आपके स्टेट, आपकी सिटी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन पर बीच बीच में मक्के के पौधे को भी आप लगा सकते हैं। 15-15 फीट की दूरी पर आप मक्के के पौधे को भी आप लगा सकते हैं, तो इससे भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। बाकी ज़्यादा स्प्रे ना करना पड़े तो स्टार्टिंग पर पीला नीला स्टिक ट्रैप लगाइए, फल मक्के के लिए ट्रैप लगाइए, तो प्रॉपर देखभाल करेंगे, ज़्यादा आपको स्प्रे ना करना पड़े। तो इसके लिए जब आप प्लांटेशन करते हैं, पौधे रोपण करते हैं, तो उसी समय आप एक काम कर सकते हैं कि नर्सरी पर एक कीटनाशक का स्प्रे ले लीजिए, जैसे डाउ एग्रेशंस की डेलीगेट आती है, 15 लीटर पानी में 15 ml की दर से स्प्रे कर दीजिए नर्सरी पर, फिर उसके बाद पौध रोपण करिए। क्योंकि जब तक पौधा हमारा पौध रोपण करने के बाद 10-15 दिन का नहीं हो जाता, तब तक हम कोई भी स्प्रे नहीं करेंगे। तो जब तक हमको कोई भी स्प्रे ना करना पड़े, एकदम हमारी फसल स्वस्थ रहे, तो ऐसी कंडीशन पर इन बातों को फॉलो करें, इन बातों को ध्यान में रखें, ड्रिंचिंग करें, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करें, माइक्रो न्यूट्रिएंट का प्रयोग करें, बीच बीच में कैल्शियम है, बोरोन है, फेरस सल्फेट है, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन आप टमाटर की फसल जो स्वस्थ तरीके से आप खेती कर पाएंगे। अब सूखने की भी समस्या आती है, विल्ट की समस्या आती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों फसल चक्र अपनाना, और गहराई में चलने वाले जैसे प्लाऊ है उससे आपको 1-2 प्लोइंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए खेत की तैयारी करते समय गोबर की खाद एक ट्रॉली और जिप्सम 50 किलोग्राम खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करना चाहिए। बरसात के दिनों पर जो बेड हैं, जो बेड आप तैयार कर रहे हैं, वे ज़्यादा चौड़ी नहीं बल्कि ऊंचाई में रखने की कोशिश करें, ऊंचाई बनाने की कोशिश करें, जो बेड की ऊंचाई है उनको 1-1.5 फीट तक आप ले जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया टमाटर की काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी। यदि आपको इसी प्रकार कोई और फसलों की जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी और एक और एग्रीकल्चर से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज पर्पस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।